हाय दोस्तों, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसमें पहले हम अपना स्ट्रेटजी बताते हैं सुबह से लेकर और शाम तक कैसे हम एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले सुबह लगभग 5 या 6 बजे उठकर और 10 या 20 वोकैब याद करते हैं, या इडियम फ्रेज या सिनोनिम एंटोनिम्स। इसमें से सबसे पहले हम लोग को ये बात ध्यान रखनी होती है कि इसमें से कोई भी टॉपर ऐसा बोलता है जो एक दिन में 40 या 50, ऐसा याद नहीं होता है। ऐसे इसी तौर पे याद हो सकती है जैसे उसमें से ऑलरेडी हम लोग को 10 याद रहे पहले से, या पहले से इसको पहले हम लोग पढ़ चुके होंगे तभी ऐसा हो सकता है। ऐसे कैसे आप लोग जैसे लगातार न्यू वर्ड जो पहले ना कभी सुने हैं और ना कभी जाने हैं, और उसको 40 वर्ड या 20 वर्ड 30 वर्ड ऐसे सामने आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आप लोग को उन लोगों बातों में नहीं आना है। लगभग आप लोग अगर 1 घंटे में दस अगर न्यू वर्ड जो आप लोग पहली बार सुन रहे हैं उसको अगर याद कर रहे हैं तो इनफ है। ये धीरे धीरे करके बढ़ेगा। उसके बाद 15 या 20 दिन के बाद से आप लोग 20-20 याद करना शुरू कर दीजिएगा। हालांकि उसको आप अगर अगले दिन या 5-6 दिन के बाद से रिपीट कीजिएगा तो कुछ कुछ हम लोग को याद नहीं आएगा, कुछ याद आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। तब कुछ दिनों के बाद से ही ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक दिन में 30 या 40 याद कर पाएंगे। वो भी याद क्या कर पाएंगे, उसमें से ऑलरेडी लगभग 10 या 20 वर्ड हम लोग को पहले से आती होगी, तो ऐसे वो रिवीजन के तौर पे हो जाता है। तब इसके तौर पे हम बोल सकते हैं जो भाई एक दिन में हम 20 या 10 वर्ड को हम लोग वो याद कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है जब पहली बार आप अपन कभी ज़िंदगी में उस वर्ड के बारे में नहीं सुने हैं और पहली बार आया और पहली बार एक घंटे में आप लोग 20 या 40 30 वर्ड याद कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि कुछ ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप लोग वोकैब के लिए सुबह उठने के दौरान आप लोग नीतू मैम का जो वॉल्यूम 1 है उसको आप ले लीजिएगा। और ऐसे आप लोग यूट्यूब पे ये 10 मिनट या 20 मिनट का शो चला रखा है लोग, इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। हालांकि इसमें ये बात ये होती है, आप लोग को 1 घंटा वीडियो देखने में ख़राब करते हो, फिर उसको कॉपी पर लिखना, ये बहुत मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं है। आप लोग बुक लीजिएगा और बुक लेकर इसको उसी पे लिखिएगा। बुक काहे ले लिए हैं, बुक आप लोग उसको भरिएगा, उसको इधर से इधर लिखिएगा, सेंटेंस के तौर पे लिखिएगा और वहीं पे हिंदी में लिखिएगा और उसको बार बार बुक से ही याद कीजिएगा। लिखने का कदई भी कोशिश मत कीजिएगा। तो ऐसे आप लोग वोकैब कर सकते हैं। उसके बाद से आते हैं लगभग आधे घंटे आप लोग करेंट अफेयर पर दीजिएगा। एक चैनल का नाम है जो एम जी टी है चैनल, आप लोग को ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये लगभग 20 मिनट का वीडियो आता है, इस पर इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये नहीं जी आप लोग 1.5 घंटा 3 घंटा करंट अफेयर पे बर्बाद कर रहे हैं और आया 2 नंबर 5 नंबर का, तो इससे आप लोग को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद से आते हैं हम लोग रीजनिंग। तो रीजनिंग में देखो, ऐसा नहीं है कि आप लोग शुरू से ही आप लोग आधे घंटा 1 घंटा, ऐसे टॉपर लोग बोलते हैं कि आप लोग 1 घंटा से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है रीजनिंग को देने के लिए। आप ही बताओ, आप अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे और ओनली वन ऐसा बोलता है लोग कि ओनली वन इसको रिवीजन के तौर पर, फिर वो जितने मॉक से ही ये काम हो जाते हैं। आप ही बताओ, मॉक से ऐसा होने वाला नहीं है। आप लोग अगर पहले कभी भी ब्लड रिलेशन नहीं पढ़े हैं या ये ट्रायंगल काउंट करना नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कैसे मॉक से कर लीजिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सब अफवाहें हैं। पहले आप लोग को टाइम देना पड़ेगा। एक बार अगर सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद से आप आधा आधा घंटा कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोग को करना कहाँ से है, एक प्रियाल मैम है, ये जो स्क्रीन पे यूट्यूब चैनल आ रहा है, इस पर लगभग 12 घंटे का ये लेक्चर है। इसको आप पहले से इसको लिखिएगा और बढ़िया से इसका नोट्स बना लीजिएगा और इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा और उसके बाद से आप मॉक लगाइएगा। और इसमें हालांकि 1-2 यूनिट ये अच्छा से कवर नहीं किया गया है, ये आप लोग मॉक से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद से आ जाते हैं हम लोग लगभग, आप लोग अब इंग्लिश स्टार्ट कर दीजिएगा 11 या 12 बजे जैसे हम करते हैं। उसके बाद से आप लोग ग्रामर पढ़ सकते हैं। ग्रामर के लिए आप लोग या तो किसी का कोर्स परचेज कर लीजिएगा। मेरा तो यही मानना है, आप लोग अगर एवरेज से भी बिलो हैं तो आप लोग एकदम आराम से नीतू मैम को प्रीफर कर सकते हैं और नीतू मैम का कोर्स ले सकते हैं। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एमटीएफ, हालांकि आप लोग मान लीजिए एमटीएफ का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग का आगे टारगेट सीजीएल ही होगा, तो इसीलिए आप लोग नीतू मैम का कोर्स ले ही लीजिएगा।
मैं यहाँ पर कोर्स वोर्स का प्रमोशन कोई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। जैसे मैंने तो ले लिया है, मैंने पहले यूट्यूब से मतलब कुछ किया था हालांकि, लेकिन वो उतना फ़ायदेमंद नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे ऐसे कर लेते हैं, हालांकि वो होंगे हाई लेवल के, हम लोग तो एवरेज बच्चे हैं, ऐसी बात है। उसके बाद से आप लोग मैथ की बात करें तो मैथ आप लोग फ्री कंटेंट बहुत सारी पढ़ी है। आप लोग ये मत कीजिएगा कि नोट्स उसका बनाइएगा, जैसे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसके बाद से उसका सलूशन लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर किसी का आपको जैसे गगन प्रताप सर का आप लोग अगर कोर्स ले लिए हैं तो उसका काम कीजिएगा, उसका जो भी वो फिट प्रोवाइड करते हैं उसको प्रिंट करा लीजिएगा, और जो कंसेप्ट होगा उसी को आप कॉपी पे लिखिएगा, और अन्यथा क्वेश्चन जो है वो एक तरफ आप क्वेश्चन प्रिंट कराएंगे और एक तरफ पेज आपका खाली रहेगा, उसी पे आप लोग सोल्यूशन लिख लीजिएगा उसका, उससे आसानी होगी आप लोग को रिवीजन करने में। और देखिए उसके बाद फिर जब सेकंड बार आप लोग फिट का रिवीजन करिएगा तो आप लोग ऐसे अगर पीडीएफ से कर रहे हैं तो ऐसे जैसे दो नंबर में हमको प्रॉब्लम आई तो एक अलग उसका कॉपी बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा दो नंबर मतलब ऐसे दो क्वेश्चन नंबर दो, जिस जिस में प्रॉब्लम आ रही है उस ओनली वन क्वेश्चन नंबर को लिख लीजिएगा, क्योंकि आसानी होगी अगली बार आप लोगों को प्रिपेयर करने में। तो दोस्तों आप लोग उसके बाद से मैथ लगभग ये आप लोगों को दो तीन घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, तीन घंटा से आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है, आप लोग अगर YouTube से करते हैं तो ऐसा दो तीन दिन में एक यूनिट को ख़त्म कर देते हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को एक यूनिट को आप लोगों को लगभग 20 या 25 देना ही पड़ेगा, 20-25 दिन देना ही पड़ेगा। ऐसे YouTube पे होता है दो क्लास तीन क्लास, उसके बाद से आप लोग भी दूसरे यूनिट पे चले जाते हैं, ना अच्छा से ये प्रिपेयर हो पाता है ना अच्छा से वो प्रिपेयर हो पाता है, तो यही बात है। और उसके बाद से अगर आप लोग जैसे 50% से ज़्यादा कंप्लीट कर लेते हैं सिलेबस तभी आप लोग मॉक लगाइएगा, नहीं तो ऐसे लगाइएगा और 20-10 नंबर आएगा उसमें आप लोग डीमोटिवेट हो जाइएगा। तो मैं भी वैसे ही है, तो दैट्स ऑल। और कोई भी आप लोग के कैरी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा दोस्तों।